मनारा चोपड़ा को पता है कि वो नेगेटिव दिख रही है, पर मनारा को अब वो भी फर्क नहीं पड़ता है। मनारा एक ऐसे मुकाम पे आके खड़ी हो गई है ना, जहाँ पर बोलते हैं ना कि मरो या मारो, वैसा वाला उसने ना अपना एटीट्यूड कैरी किया है इस वक्त मनारा ने। मनारा भी हर्ट है कि उसके पास जो है मुनावर नहीं है। मुनावर वो अपनी फीलिंग को लेके कि जो बंदा एक्चुअली में मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता था, बट किसी लड़की के आने पे वो बंदा जो है मुझे साइडलाइन कर चुका है। पर एक बात है कि मुनावर ने जो है उस लड़की के आने पे नहीं, उससे पहले ही मनारा को जो है साइडलाइन करना शुरू कर दिया था सलमान खान के फीडबैक से। ये बात तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर ज़्यादा दिखाई आयशा के आने के बाद दिया, जो कि मनारा को एक एक नेचुरल फीलिंग है कि जेलस होगी। और प्यार होता है तो लड़की को बहुत जेलस होती है, अगर दोस्ती भी होती है जिस तरीके की मनारा है, तो मनारा ऐसी चीज़ें जो है पहले भी घर में कर चुकी है, तो ये मनारा की दोस्ती है। दोस्ती में वो जेलस हो रही है कि भाई उस बंदी को जितना वो टाइम दे रहा है उसको साइड हटाए। अब मनारा जो है ईशा के साथ काफ़ी सारी बातें कर रही है, तो मनारा जो है इवन विकी को भी वो बोल रही है, सबको बोल रही है कि यार आपको ना इसको रिंकू जी को कुछ बताना नहीं चाहिए, सब चीज़ें आप बता रहे थे, वो जाके ना वहीं पर बताएगी सब चीज़ें। ये सुनती इसलिए है क्योंकि ये बोल पाए, अपने पॉइंट रख पाए। तो फिर वही चीज़ होती है, जाती है रिंकू जी और दम मकान में जो है सब चीज़ें जो विक्की ने बोली होती है मुनावर सब लोगों को जो है बता देती है, क्योंकि दम रूम में पूरा एक दूसरा ग्रुप बैठा है, मुनावर, ईशा, अनुराग, नील, अभिषेक सब लोग बैठे हैं। तो फिर क्या होता है, तो मनारा जो है बातों बातों में बोलते हैं कि मेरे को पता है कि मैं ना नेगेटिव दिख रही होंगी, पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सही बात है कि उसको भी अंदर से फीलिंग है कि जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रही है, तो लोग जो है उंगलियां उठाएंगे कि भाई तुम प्यार तो नहीं करती हो मुनावर से, तुम बोल रहे हो वो बंदी दूर चली जाए, अब तुम ये सब चीज़ें कर रही हो। तो वो वाली फीलिंग जो है वो दिखाई दे रही है कि भाई ये बंदी प्यार में ही ऐसा कर सकती है। पर मुझे पूरा पूरा पक्का भरोसा है कि मनारा जो है मुनावर को प्यार नहीं करती है, वो इतना ज़्यादा दोस्ती में उस दोस्ती वाला प्यार करती है कि उसके साथ एज आ फीमेल दोस्त या फीमेल गर्लफ्रेंड, जो गर्लफ्रेंड है वो देख ही नहीं सकती है कि बस अटेंशन जो है मुझे चाहिए मुनावर की, जो वो पहले देता था, जो खास था, जो मुझे बहुत फील होता था, वो एक बेबी सिटिंग टाइप ना कि मुझे पैम्पर करे। बट अब मुनावर को वो चीज़ें नहीं करनी है, तो एटलीस्ट मनारा को भी वो चीज़ें समझनी चाहिए और एक मैच्योरिटी से एक दूसरी दोस्ती में आना चाहिए, जो कि मनारा ने उस दोस्ती को भी ठुकरा दी, यानी कि अब हो गए हैं अलग, इनकी निभ भी नहीं सकती, इसने खुद ही बोला है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।